के तोशे खास से आज की ज़रूरी बात, अपनी औलाद के लिए किसी भी दुआ से पहले नसीब और सेहत मांगे। अल्लाह पाक कुल के बच्चों को दराजिया उम्र बिल खैर अदा करे। लाजमी सी बात है कि इस नसीब का एक हिस्सा हमारे नौजवान बच्चों की शादियां भी हैं, उनके लिए माकूल रिश्ते भी हमारी एक अहम तरजीह है और यकीनी तौर पर हमें इसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए। अगर हम किसी बच्चे या बच्ची के लिए बहुत अच्छे से उसके वालदैन या अपने किसी जानने वाले को किसी रिश्ते के बारे में बता सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, हमें ज़रूर करनी चाहिए। मगर खुदारा एक बात का ध्यान रखिए, किसी बच्ची या बच्चे की अगर शादी नहीं हो रही, ख़ास तौर पर बेटियों के मामलों में अगर डिलेज है, तो पब्लिकली उनके पेरेंट्स के दिल ना छलनी करें। तकारीब में रिश्तेदार ख़वातीन या अहबाब में से कुछ लोग जो हैं वो इस तरह के सवाल ना करें, घर वालों को या बच्चों को ये ना बावर कराएं कि तुम तो किसी आजमाइश की सद में हो, तुम पर ऐसा हो गया, तुम पर वैसा हो गया। हर काम का एक वक्त है, हम में से हर इंसान अपनी एक जुदा किस्मत लेके आया है। हम बहुत से मामलों में बाख्तियार हैं, मगर तकदीर के मामले में हम बेख्तियार हैं। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हम अपनी पूरी एफर्ट से भी अपने बच्चों की किस्मत नहीं बदल सकते। सो हमें अवॉइड करना चाहिए वालदैन और बिलखसूस बेटियों की माँ का या बेटियों का दिल दुखा देने वाली जुमला कहने से, बातें करने से।